नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर मैं कहूं कि अब आपको हर रोज यमराज के दर्शन करने पड़ेंगे। दोस्त, दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है, इसी से तो हमारा गुजारा चलता है। कुछ लोगों को उनके पसंद का काम मिल जाता है, लेकिन कुछ को मजबूरी में जो मिले वो कर लेते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा उन रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ियों को जिनकी एक गलती सीधे यमराज के दर्शन करा सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा अपने वीडियोस में कुछ नया बताते हैं और आपके ज्ञान के स्तर को एक स्टेप और ऊंचा ले जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, प्रेजेंटिंग द डेडलीस्ट जॉब एवर का पार्ट 1। नंबर 5, स्टंटमैन। अक्सर हम फिल्मों में हीरो को खतरनाक से खतरनाक लड़ाइयां लड़ते देखते हैं, ऊंची ऊंची इमारतों से जंप करते देखते हैं और उन्हें देखकर खूब ताली बजाते हैं और हमारे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ओह माय गॉड, वाओ, ओ तेरी बहन की लग गई। पर इन फिल्मों में जो सारे खतरनाक स्टंट दिखाए जाते हैं, ये हीरो नहीं करते, इन्हें करते हैं स्टंटमैन। स्टंटमैन अपनी जान जोखिम में डालकर हीरो के लिए स्टंट करता है और कई बार स्टंट करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठता है और कभी कभी तो ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। और बदले में इन्हें मिलता क्या है? अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए स्टंट का क्रेडिट तो हीरो ले जाते हैं। ये अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब तो रियल लाइफ हीरो है। रियल लाइफ हीरो तो ये है जो अपने स्टंट से फिल्मों में जान डाल देते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भी किसी फिल्म में आप हीरो को स्टंट करते देखे तो एक बार स्टंट करने वालों को भी जरूर याद करें। नंबर 4, इलेक्ट्रिक पावर लाइन इंस्टॉलर। दोस्त, जमीन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर चाहे मौसम कैसा भी हो, बिजली का काम ठीक करना साक्षात यमराज के दर्शन करने के बराबर होता है। अगर किसी को परलोक भेजना है तो सिर्फ 50 वाट का करंट ही काफी है, मगर इन इतने ऊंचे टावरों में 5 से 8 लाख वाट का करंट बहता है। अगर इसके करंट के चपेट में कोई गलती से भी आ गया तो समझ लो, एक तो इतनी ऊंचाई, ऊपर से बेहिसाब बहती बिजली, एक गलती, यहाँ एक गलती और आप सीधे ऊपर। पर फिर भी कुछ लोग ये काम करते हैं। दोस्त, इन इलेक्ट्रिक पावर लाइन वर्कर के डेयरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, क्राइस्ट रेमिडर स्टैचू वर्कर। ब्राजील में एक जगह है रियो दे जेनेरो, यहाँ एक बहुत ही बड़ा जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है, लगभग 2320 फीट ऊंचा। 2007 में यहाँ एक तूफान आया था जिसमें कई सारी बिजली स्टैचू पर गिरी और स्टैचू का बहुत सारा नुकसान कर दिया, जिसे रिपेयर करने के लिए बहुत सारे इंजीनियरों को बुलाया गया, मगर मूर्ति की ऊंचाई को देखकर उनके पसीने छूटने लगते थे, जिसके बाद कैथोलिक समुदाय ने कुछ बेहतरीन इंजीनियर्स को बुलाया जिन्होंने इस मूर्ति को रिपेयर करना शुरू कर दिया। इसके सर और बाहों तक तो ठीक था, और जब इसके उंगलियों को रिपेयर करने की बारी आई, भाई साहब देखिए ये वर्कर कैसे संकरी रास्तों से होकर इसकी उंगलियों को रिपेयर करने लग रहा है। कई लोग तो इतनी ऊंचाई देखकर ही बेहोश हो जाएंगे। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको हाइट से डर लगता है क्या? मुझे कमेंट में बताइए। नंबर 2, सैनिटेशन वर्कर। हाँ, वही सुबह सुबह जो व्यक्ति सड़कों और हमारे घरों से कचरा उठाता है। सफाई कितना बड़ा काम है अगर आपको जानना है तो एक बार अपने शहर के सीवर सिस्टम पर नजर डालिए, क्योंकि इसके अंदर तो कोई आम इंसान जा ही नहीं सकता। मानव मल मूत्र और सड़े गले कचरे से भरे इस नाली में इतनी खतरनाक गैसें होती है जो किसी रासायनिक बम में भी नहीं होती, पर फिर भी उसे साफ रखने के लिए ये नाली में उतरते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इन सफाई कर्मियों की जिंदगी हर पल खतरे में होती है। ये हमेशा कचड़ों से निकलने वाले खतरनाक गैसों से घिरे रहते हैं जो इन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सफाई कर्मी अपनी जान को इतना ज्यादा खतरे में डालते हैं, बावजूद इसके हमारे इंडिया में इन्हें कुछ खास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे आस परिवेश को साफ रखते हैं सफाई कर्मी, इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। अब ये जो नंबर 1 पर है, मुझे लगता है ये दुनिया के सबसे खतरनाक जॉब है। नंबर 1 पर है माइनर्स, खुदाई कर्मी। खदानों में काम करना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। यहाँ जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, मौत कहाँ से जाएगी और आपको गले लगाएगी आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ सुरंग कब ढह जाएगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। माइंस में भी स्पोर्ट हो सकते हैं, गैसों का रिसाव हो सकता है, पानी भर सकता है और सबसे ज्यादा दिक्कत तो सांस लेने की होती है। एक तो यहाँ खुदाई के चलते धूल का गुब्बार बना रहता है, ऊपर से जमीन के नीचे ऑक्सीजन की भी कमी होती है जो वर्कर्स के गला घोटने के लिए काफी होते हैं। माइनिंग कितनी खतरनाक होगी ये डिपेंड करता है आप खुदाई किस चीज की कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ खतरनाक डेडलीस्ट जॉब। वैसे आप बताओ कि इसमें से किस जॉब को आप फ्यूचर में कभी ट्राई करना चाहोगे। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक।
तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।